हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हरसाई चोपड़ा। दोस्तों, आपने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल का नाम तो सुना ही होगा। ये हॉस्पिटल PGIMER यानी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मेडिकल कॉलेज के साथ अटैच है, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल भी कहा जाता है। इस मेडिकल कॉलेज में 2019 से MBBS कोर्स स्टार्ट किए गए थे, हालांकि PG कोर्स इसमें पहले करवाए जा रहे थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल इसके साथ अटैच होने से इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। इस कारण न्यू मेडिकल कॉलेज होने के कारण भी स्टूडेंट MAMC, VMMC, UCMS के बाद इसी मेडिकल कॉलेज को फिल करते हैं। ये मेडिकल कॉलेज IP यानी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी द्वारा एफिलिएटेड है और इसमें दिल्ली स्टेट के लिए IP कोटा एप्लीकेबल है। दोस्तों, आपको यहाँ पर डाउट होगा कि मैं किसी किसी वीडियो में DU कोटा बोलता हूँ, किसी किसी वीडियो में IP कोटा बोलता हूँ, तो ये क्या होता है? तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ये दिल्ली स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट का कोटा होता है। इसमें कोई फर्क नहीं है DU कोटा और IP कोटा क्या है, ये एक स्टेट कोटा ही है। जो यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी DU के अंडर आती हैं जो मेडिकल कॉलेज, जैसे MAMC, LHMC, UCMS, तो इनमें DU कोटा होता है। और जो मेडिकल कॉलेज IP के अंडर आती हैं, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंडर आती हैं, जैसे VMMC, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर बाबा साहिब और NDMC, तो उसमें IP कोटा होता है। बस नाम ही है इसमें DU और IP, बाकी कोटा सेम ही है दिल्ली स्टेट के लिए। इस वीडियो के जरिए मैं आपको डॉक्टर राम मनोहर मेडिकल कॉलेज के बारे में जानकारी दूंगा और इसमें आपको ये बताऊंगा कि नीट 2019 की कट ऑफ क्या रही थी, नीट 2019 की कट ऑफ कैटेगरी वाइज क्या रही थी, नीट 2020 की कट ऑफ क्या रहने वाली है, सीट मैट्रिक्स क्या है, ट्यूशन फीस के बारे में जानकारी दूंगा। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि इसमें एडमिशन कैसे लें। तो दोस्तों, हम चर्चा करेंगे इसमें सबसे पहले एडमिशन कैसे लें। इसमें एडमिशन नीट स्कोर पर ही होता है। नीट 2020 का रिजल्ट आ जाने से पहले आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपको MCC की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना है। MCC द्वारा तीनों राउंड की, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और मॉपअप राउंड की काउंसलिंग करवा कर इसमें एडमिशन दिया जाएगा। अब इसके हम एक बार सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं। ऑल इंडिया की 15 सीट से, स्टेट कोटा 85% की 85 सीटें, टोटल 100 सीटें, लेकिन नीट 2020 में इसकी 50 सीट्स और बढ़ने की संभावना है। ये काउंसलिंग से पहले पहले अवश्य ही बढ़ जाएंगी, इसके साथ ही 150 सीटें हो जाएंगी इस मेडिकल कॉलेज में। अब कट ऑफ देखें इसकी 2019 की ऑल इंडिया कोटा की, तो जनरल की 660, EWS की 652, OBC की 647, SC की 568 और ST की 548 कट ऑफ रही थी 2019 में। यहाँ पर हम बात करें स्टेट कोटा IP कोटा की, तो जनरल कैटेगरी की 621, CWS की 585, OBC की 574, SC की 467, ST की 343 कट ऑफ रही थी 2019 में। अब 2020 में क्या कट ऑफ रह सकती है? तो ऑल इंडिया कोटा की बात करें तो जनरल की 620, EWS की 615, OBC की 605, SC की 545, ST की 530 कट ऑफ रह सकती है इसमें। अगर बात करें हम स्टेट कोटा IP की, तो जनरल की 595, EWS की 580, OBC की 550, SC की 445 और ST की 310 कट ऑफ रह सकती है 2020 में। इसके एक बार ट्यूशन फीस देखें तो 36,000 रुपये सालाना, यानी कि 3,000 रुपये पर मंथ इसकी ट्यूशन फीस है। इसके बाद हॉस्टल फीस की बात करें तो 500 रुपये पर मंथ हॉस्टल फीस है इसकी। तो दोस्तों, ये VMMC के बराबर ही इसकी फीस है। सबसे कम फीस UCMS की है, उसका वीडियो मैंने बना दिया है, इन तीनों चारों कॉलेज का वीडियो बना दिया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। MMC का बना दिया, LHMC का, UCMS, VMMC का, इन तीन चार कॉलेजों का वीडियो बना चुका हूं मैं और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी थी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मेडिकल कॉलेज के बारे में। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, इस प्रकार की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।